दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के दिल्ली स्थित ससुराल में हुई करोड़ों रुपए की चोरी के मामले को सुलझाते हुए आरोपी नर्स अपर्णा रूथ विल्सन और उसके अकाउंटेंट पति सहित इनसे चोरी के गहने खरीदने वाले ज्वेलर देव वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 100 हीरे, 6 सोने की चेन, हीरे की चूड़ियां, 1 हीरे और कंगन, 2 शीश, 1 पीतल का सिक्का, 1 कार बरामद की है। सोनम कपूर के ससुर की मां बीमार रहती थी, उनकी देखभाल के लिए घर पर नर्स अपर्णा को रखा गया था। इसी दौरान घर की एक अलमारी में रखे कैश और ज्वेलरी की जानकारी अपर्णा ने अपने पति नरेश से साझा कर ली। इसके बाद अपर्णा पीड़ित को नींद की गोली देकर सुला देती, फिर अलमारी से नकदी और गहने चोरी कर नरेश को थमा देती। नरेश इस ज्वेलरी को आगे ज्वेलर्स को बेच देता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और घर पर काम करने वाले कर्मचारियों और 6 नर्सों सहित उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की। जांच पड़ताल में नरेश का नाम सामने आने पर पुलिस ने इसे सरिता विहार इलाके से धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर चोरी में शामिल अपर्णा और चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले देव वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया।